मैं 9 बजे आ जाऊंगी, और जो तुमने मुझे लाल साड़ी दिलवाई थी ना, मैं वो भी लेकर आऊंगी। चलो अब मैं रखती हूँ, मुझे पैकिंग भी करनी है। चलो बाय। ये क्या कोमल, तुम भाग के शादी करने का प्लान कर रही हो? हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। अच्छा, जो लड़का तुम्हें अभी कुछ ही दिन पहले मिला है, तुम उसे प्यार करती हो और उस पर इतना भरोसा करती हो कि तुम उसके साथ भाग के शादी करने के लिए तैयार हो? और तुम्हारे माँ बाप ने जो तुम्हें 20 साल से पाल पोष के बड़ा किया है, उसका क्या? देखो हरप्रीत, अपनी बकवास तुम अपने पास रखो, ये मेरी जिंदगी है, जो मुझे मन करेगा मैं वो करूंगी। ये सही है, एक तो गलती करो और कोई समझाने की कोशिश करे तो मेरी लाइफ मेरी चॉइस बोल के उसका मुंह बंद करा दो। तुम्हें पता है कोमल, तुम्हारी इस हरकत से क्या होगा, मेरी और मेरी जैसी कितनी लड़कियों की लाइफ दांव पे लग जाएगी। ये क्या बकवास है? बकवास बकवास नहीं, ये सच है। तुम्हें पता है हमारे देश में 100 में से 10% लड़कियों को घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है। और तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से क्या होगा, तुम्हारे माँ पापा का भरोसा टूट जाएगा और इससे उन 10 लड़कियों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी जो सच में पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। तुम्हें पता है जब एक लड़की भागती है ना, तो उन 10 लड़कियों के सपने टूट जाते हैं। अरे अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी थी तो बोल देती ना अपने माँ पापा से कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे शादी करनी है, मुझे घर गृहस्थी संभालनी है, मुझे घर में रहना है, बाल बच्चे पैदा करने हैं, चूल्हा चौका करना है। क्यों अपना और उनका टाइम, पैसा और अरमान सब बर्बाद किया तुमने? एक लड़की जब भागती है ना, तो 10 लड़कियों के सपने टूट जाते हैं। हो सकता है कल को मेरे घर से भी फोन आ जाए, मेरे मम्मी पापा मुझे वापस बुला ले। और अगर तुम्हें शादी करनी थी तो बोल देती ना अपने पापा से कि नहीं करनी है मुझे पढ़ाई, मुझे घर गृहस्थी संभालनी है, घर के काम करने हैं, बाल बच्चे पैदा करने हैं, चूल्हा चौका करना है। क्यों अपना और उनका वक्त, पैसा, अरमान सब बर्बाद किया? कोमल सोचो, जब तुम्हारे पापा को पता चलेगा कि तुम भाग गई हो तो उन पे क्या बीतेगी? तुम्हारे गांव वाले उन्हें ताने मार मार के उनका जीना मुश्किल कर देंगे। तुम क्या इसी दिन के लिए बड़ी हुई हो कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला सको? देखो, गांव से शहर हमारे मम्मी पापा ने हमें पढ़ने के लिए भेजा है ताकि हम अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी नौकरी करें और अपनी ज़िंदगी को अपने शर्तों पर जिए। और एक तुम हो कि तुम्हें तो इज्जत ही रास नहीं आ रही है। सोचो अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें पाल पोष के बड़ा ना किया होता और तुम्हें पैदा होते ही फेंक दिया होता तो क्या होता तुम्हारा? आज किसी अनाथ आश्रम में पल रही होती तुम? मुझे तो डर है कि तुम जैसी जो बेवकूफ लड़कियां ये डिसीजन ले रही हो ना, मुझे तो डर है कि कहीं बाल विवाह, भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथा इस देश में वापस ना आ जाए। अरे जो इतने टाइम से लड़कियों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है ना, कहीं वो बेकार ना हो। देखो कोमल, मैं तुम्हारी दोस्त होने के नाते तुम्हें सिर्फ समझा ही सकती हूँ, फैसला तो तुम्हें ही लेना। अब तुम सोचो कि तुम्हें अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है या उन 10 लड़कियों के बारे में भी सोचना है। डिसीजन तुम्हारा होगा।